गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सारा मशरूम। बहुत सारा नहीं, थोड़ा है, मतलब एक इंसान खा सकता है। तो मैं लेकर आई हूँ और मैं आज इसे मतलब क्या बोलते हैं, आग में पकाकर उसको पत्ते में, मतलब पत्ते में डालकर आग में पकाकर जैसे खाते हैं ना, मैं वैसे आज उसको बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी होता है गाइस, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, ठीक है? तो आइए हम दिखाते हैं मशरूम कितने सारे हैं। इसे हम लोग धोएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोसेस से उसका मतलब पत्ते वाली मशरूम आज हम लोग खाएंगे, ठीक है? मैं खाऊँगी, आप लोग बस देखो, इंजॉय करो, ठीक है? और कैसा लगा वीडियो को लास्ट तक देखना और बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है हमारे मशरूम, इसे अभी हम लोग धोएंगे, ठीक है? ये हम लोगों के बारी में था, ठीक है? तो मैं लाई हूँ सुबह सुबह और अभी इसे मैं पकाऊंगी, ठीक है? देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, ठीक है? और इसमें हम लोग धोएंगे, ठीक है? चार पांच पानी करके धोना है, ठीक है? इसको अभी हम लोग इसको डालेंगे, उसके बाद फिर इसको अच्छे से चार पांच पानी में, ध्यान रहे इसमें कोई जो ये सब है ना गंदगी, ये सब नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से इसको धोना है, ठीक है? तो इसलिए चार पांच पानी करके हम लोग धोएंगे। चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये हमारा रेडी हो गया। ये मशरूम हो गया, ये नमक हो गया, मिर्च लहसुन और ये प्याज, ठीक है? अब हम इसे, इतना रेडी हो जाता है, इसमें कोई ऑयल नहीं डालना है, कोई घी नहीं डालना है, ठीक है? बिल्कुल मतलब गांव के जो लोग एकदम खाते हैं इस तरह से बनाना है, ठीक है? तो अभी हम लोग पत्ते तैयार करेंगे और इसको मिक्स करके उसको पैक करेंगे, तो ठीक है? चलिए मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल नमक अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि ये पक के थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए मतलब मैंने मतलब अपने स्वाद अनुसार डाला है, ठीक है? तो ये पूरा मिक्स हो चुका है, ठीक है? अब हम इसे पैक करेंगे पत्ते में, ठीक है? तो पत्ते मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर इसको उसमें पैक करेंगे। तो ये मेरा पत्ता रेडी हो चुका है, देखो ऐसे ऐसे पूरा मैंने इसको सील दिया है, देखो ऐसे इसको मैंने ऐसे सिला हुआ है पूरे तरीके से। यहाँ डबल है, मतलब छेद है इसका, मतलब ये नहीं, डबल मैंने कर दिया है पत्ता को। और अभी हम लोग यहाँ डालेंगे, तो हम लोग यहाँ डालेंगे इसको, चलिए डालते हैं। तो गाइस, हमने ऐसा डाल लिया है, देखो ऐसा। अभी इसको ऐसे पैक करेंगे, मतलब इधर और ऐसे दोनों को ऐसे करके पैक कर देंगे इसको, इधर ऊपर ऊपर सील देंगे और अभी इसको पकाएंगे, ठीक है? ये मतलब साल का पत्ता है, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से बड़ा बड़ा था, इसलिए अच्छे से पैक हो जाता है। और साल का पत्ते में पकाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? तो देखो इस तरह से इसको अभी पैक करेंगे, चलिए पैक करते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये हमारा पैक हो चुका है, देखो अब हम इसे डालेंगे आग में, ठीक है? अब इसे डालना है आग में, चलिए हम लोग डालते हैं आग में। तो ये देखो, ये आग है, अभी हम लोग इसमें हम लोग डालेंगे, ठीक है? इस तरीके से इसको हमने जगह बना लिया और अभी इसको ये डाल दिया, ये डाल करके अभी इसको ऊपर से भी पैक कर देंगे इस तरह से। ऊपर से पैक कर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, और इधर से भी हमने दे दिया इस तरीके से।
ये अच्छे से, इसको हम लोग कुछ देर छोड़ देंगे। देखो इसे ये आने चालू हो गए, मतलब ये पकेगा उसके बाद फिर दिखाते हैं कुछ देर के बाद में, ठीक है। चलिए हमने अच्छे से रख लिया, अब पकने के बाद दिखाते हैं। तो गाइस ये हमारा पक चुका है, आप लोग देख सकते हो। अभी इसको इस यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है। देखो ये पक चुका है, अभी हम लोग इसको निकालेंगे। देखो पक के इतना छोटू सा हो गया है। चलिए अब इसको निकाल के दिखाते हैं। तो ये एकदम रेडी हो गया, देख रहे हैं आप लोग। हाँ टेस्टी बहुत, इसको खाने से कैंसर नहीं होता है। मशरूम को खाने से कैंसर नहीं होता है, बाबा बता रहे हैं। देखो तो ये रेडी हो चुका है और मैं ब्रश कर चुकी हूँ और ये रहा एक बाइट। तीखा चलो ठीक है, कैसा लगा ये रेसिपी बताओ। हाँ और हाँ, मशरूम खाने से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो शहर वालों सुन लो, ठीक है, जो लोग मतलब ये सब पे बिलीव नहीं करते। चलो बाय।